छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज पाटन राजग्राम इकाई ग्राम पंचायत दरबार मोखली द्वारा रविवार को डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय घनाराम बछोर स्वर्गीय गेंदला बंछोर की मूर्ति अनावरण ग्राम पंचायत दरबार मोखली में निर्माण कार्यों का लोकार्पण मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि भूपेश बघेल ने कहा कि दरबार मोखली हमारा केंद्र बिंदु है। उन्होंने दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उल्लेख करते हुए उनके जीवनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाईस्कूल उन्नयन की घोषणा के साथ ही शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी घोषणा की। बोले डॉक्टर खूबचंद बघेल की, डॉक्टर खूबचंद बघेल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, स्वामी आत्मानंद महाराज की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय घनाराम बंछोर की, स्वतंत्रता सेनानी गेंदल बंछोर की, डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का मंच पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम और सभी अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे राजकीय गीत के लिए। छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। बोल रखे गिरी से कैदी मन में भी कैटेगरी होते तो ए क्लास के कैदी रही से और वहां से रहते हुए आदरणीय छत्तर सिंह वर्मा जैसे सांतरक निवासी बोल पत्र लिखे है, वो पत्र के उल्लेख शिवराम भाई अपन भाषण में करीस। वो समय भी आंदोलन ला कैसे संचालित करना रही से कावर के अंग्रेज मन के राज रही से तो सब चिट्ठी मन के जब तक के उकर अधिकारी मन नहीं देख ले तब तक पहुंचत नहीं रही से तो सब बात ला संकेत में कराए। और संकेत में जैसे एक उदाहरण वो शुरुआते में लिखे अपन पत्र के मोर स्थिति तैसे है जैसे किसान अपन बैला बेच देते और चैन के नींद सूते तैसे में सूते हूं आराम कराता हूं लेकिन ते बैला बेच के मत सूद बे बैला बेचे किसान बरोबर तो स्थिति नहीं होना चाहिए। उसका मतलब यह कि आंदोलन लगातार जारी रखना है। वैसे बहुत अकन उदाहरण दे दे के वो बात रखे है। वो समय गांधी जी अछूतोद्धार के भी आंदोलन चला रही से अनुसूचित जाति के व्यक्ति मल्ल भी मंदिर प्रवेश करे के आंदोलन चला रही से और वो आंदोलन के बारे में उसका पत्र में उल्लेख है कि जिन समता मूलक समाज है तो निर्माण होना चाहिए तेकर बारे में आदरणीय गायन सिंह जी छत्तर सिंह जी ने पत्र लिखे हैं उसका उल्लेख। तो वो समय जिन आंदोलन चलत रही से वो आंदोलन संचालित करे बर काका मशक्कत करेल पड़ा है वो मल्ल तेकर एक बानगी वो पत्र के माध्यम देखे मिलते। वैसे पाटन क्षेत्र
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के गढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे पाटन क्षेत्र में। आस पड़ोस के गांव मन में देखबे तो दर्जन के हिसाब से सांतरा में, देवादा में एक एक दर्जन से ऊपर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेलू, पाटन, मोरिद, खमरिया, डंगनिया से लेके बटंग तक के आपला फ्रीडम फाइटर मिली। और मन देश के आजादी पर जेल जाए से अभी जगह ये जगह बहुत ज्यादा रे बिलोदी, बोदल, सेलूद बिल्कुल लखठच लखठप, ये मेरे खूब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उस समय ये सब नौजवान रही से और जवानी समय जेल में बिताया है, तब देश ला आजादी मिले। कोई आसानी से देश ला आजादी नहीं मिले, बहुत जन मन अपन जीवन ल आजादी की लड़ाई में व्यतीत करे, बहुत तकलीफ पाए, माल गुजार परिवार के भी रहते हुए छत्तर सिंह, गैदलाल बंचोर, खिलावा सिंह बघेल, बंसीलाल बघेल, डोरीलाल बघेल, एमन सब माल गुजार परिवार के, उकर बावजूद भी अंग्रेज सरकार के एक प्रकार से जिन व्यवस्था है जमींदारी माल गुजारी ये अंग्रेज मन के बनाए व्यवस्था, इसे वो व्यवस्था में रहते हुए व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन करना कोई आसान काम नहीं। एक मानसिकता जिन रही थे हम तो सिस्टम के हिस्सा, तो वो जिन सिस्टम के हिस्सा रही से तेकर बावजूद भी आंदोलन करना एक बड़े बात। और इसे बहुत उदाहरण मिली, वो समय बहुत जनमन आंदोलन करी, जेल गई बड़े बड़े परिवार से रही से, कोई गांधी जी, कोई छोटे मोटे परिवार परिवार के नो है, पोरबंदर के दीवान के लड़का है, नेहरू जी बहुत बड़े वकील के लड़का, तो इसे बहुत बड़े बड़े मन है शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण सबसे बड़े मांगे ना सरपंच साहब कहा है ये मांगे शीतला तालाब होती है ये सही धुमा रास्ता में, हाँ तो धुमा रास्ता के हमें उपाय के ते ये थी किस तक यशवंत घर को थी होती है? अच्छा तो वो कर दो तीन ढक तरिया है अच्छा मतवा तालाब के थे तो चलो शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग रखे सरपंच साहब ओकरो में घोषणा करा था। अभी सब बात ला जाना था तो मन हम चोर आम भाई तो कई भी दे कि 20 क्विंटल धान इस साल खरीदी करना है, अभी वैसे 5 साल बीत गए, नहीं तो छत्तीसगढ़ में हर तीसरा साल में अकाल दुकाल पड़ जाते, लेकिन इस साल भरपूर पानी भी है, बांध मन भी 70-80% भर गए, तो मैं समझता हूं कि ये साल फसल भी पर्याप्त हुई और 20 क्विंटल खरीदी भी हुई। एक साथ आप सब पुरखा मल स्मरण करें, अतिक साहस के आजादी के लड़ाई लड़ी होकर आज होकर मूर्ति का अनावरण, तो पूरा परिवार ल खूब बधाई शुभकामना, पुरखा मन की स्मृति हमेशा बने रहना चाहिए, और योगदान हमेशा याद रखना चाहिए, कबर की उकरे मन के बदौलत आज हमन आजादी की सांस ले थे, तो पुरखा मल हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। और हमारे पाटन क्षेत्र में तो बड़ा योगदान आजादी के लड़ाई में, शिक्षा के आंदोलन में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बड़े आंदोलन हमारे पाटन क्षेत्र में हुए, तो महापुरुष मल स्मरण करते हुए आप सब खेती किसानी के दिन है फिर भी आप बड़े संख्या में उपस्थित हुए, और मोखली गांव के मन तो आज इतवारी इतवारी माने नहीं है, लेकिन फिर भी आज गांव भर त्योहार माना थे, तो मोखली वाला मन गांव भर मिल के निर्णय ले हो, तेकर भर मोखली वाला मन विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए, और खेती किसानी ल छोड़ के भी यहाँ आए मोर बात ध्यान से सुने तेकर भर हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार नारा लगा देते हैं तीनों महापुरुष के, डॉक्टर खूबचंद बघेल अमर रहे, गैनलाल बंछोर अमर रहे, घनाराम बंछोर अमर रहे, छत्तीसगढ़ महतारी की। धन्यवाद।